मनुष्य जब मनुष्य को क्षमा करता है तो ईश्वर भी उसकी हर बड़ी गलती को क्षमा करता है। मन से मांगी गई क्षमा जीव को सज्जनता और सौम्यता की तरफ ले जाती है। सेवक अपने स्वामी से क्षमा मांगे और स्वामी भी सेवक से क्षमा मांगे, और ये भी कटु सत्य है कि क्षमा दान भी वीर पुरुष ही कर सकते हैं। इस वार्ता में यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है क्षमा पाने पर विश्व मैत्री दिवस के रूप में मनाएं और सरकार इसे क्षमा डे घोषित करे और भगवान महावीर का जन्मोत्सव में एकता संगठन असंखनाथ हो, ऐसी मंगल कामना से सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद। ये कहना था परम्पराचार्य प्रज्ञ सागर श्री मुनिराज का। उन्होंने बताया कि साल 2023 और 24 में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव पूरे विश्व में मनाया जाएगा। उन्होंने खंडेलवाल जैन मंदिर राजा बाजार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम क्षमा वाणी पर 18 सितंबर को लाल किला मैदान में भव्य रूप से कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें साधु संत विराजमान होंगे जो अपने प्रवचनों से लोगों को भगवान महावीर के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। ये दिवस विश्व मैत्री क्षमा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैन समाज इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाएगा और हमारी भारत सरकार से भी यही कामना है कि वो इस दिवस को क्षमा दिवस के रूप में घोषित करें। 2023 से 2024 एक वर्ष पूरा, उसका समारंभ जो है 18 सितंबर को 2022 लाल किला दिल्ली मैदान से प्रारंभ होने जा रहा है। आप सब लोग इस समारंभ में उपस्थित हों, भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म, सत्य अहिंसा अपरिग्रह, इन सिद्धांतों को जन जन तक और लोगों के मन मन तक पहुंचाने का सफल आयोजन किया जाएगा। भगवान महावीर की जो बातें हैं, वाणी है, उपदेश है, उसी के माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान हो सकता है। विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान सिर्फ मात्र भगवान महावीर स्वामी हैं। हम सब लोग उनके संदेशों को भगवान महावीर स्वामी के 2550 निर्माण महोत्सव में आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर अखिल भारतीय भगवान महावीर निर्वाणोत्सव निर्वाणोत्सव समिति के अंतर्गत विश्व मैत्री क्षमा दिवस समारोह के मुख्य संयोजक सत्यभूषण जैन ने बताया कि जैन धर्म हमें मनमुटाव भूलकर एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारे के साथ रहना सिखाता है, और अगर विश्व में हर इंसान एक दूसरे की गलती को क्षमा कर दे तो विश्व में किसी बात की लड़ाई रहेगी नहीं। समारोह के प्रायोजक संजीव जैन ने बताया कि भगवान महावीर हमें जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाते हैं। इस अवसर पर संघस्थ अनिकेत, विवेक जैन, रमेश जैन महामंत्री, मनोज जैन उपाध्यक्ष ने कहा कि भारत शांति चाहने वाला देश है। हम सब भगवान महावीर के बताए रास्ते पर चलकर पूरे विश्व में शांति लाना चाहते हैं, और इसका एकमात्र विकल्प है एक दूसरे को क्षमा कर देना। दोनों मिलकर के इसे विश्व स्तरीय रूप से मनाएं, ऐसी भावना है। 18 सितंबर का जो कार्यक्रम है वह हमारे सूरतमल विहार सकल जैन समाज जो है, हमारे प्रधान जी संजू जैन जी, महामंत्री रमेश जी और हमारे प्रधान मनोज जैन जी और राम लव कुश रामलीला कमेटी के हमारे चेयर वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यभूषण जैन और हमारे धीरज कासनीवाल, ये सभी लोग जो है इस महोत्सव को बहुत बड़ा मना रहे हैं। अग्रवाल पंचायती मंदिर लाल मंदिर अध्यक्ष जगदेव से ये सबका उद्देश्य है कि यह महोत्सव जो है इतना बड़ा बने कि सारी दुनिया तक संदेश